वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जिवें कि आप जी नूं पता है कि पंजाबी सिख संगत PSS वालों बहुत सारे उपराले असीं कर रहे हाँ 550 साल वास्ते। सो असीं हुण अज तो जिहड़ा नवा उपराला कर रहे हाँ उहदे च असीं दो चीज़ां मजीद कर रहे हैं कि जिहदे विच जिहड़े बाहरों लोग आउंदे ने उहनां नूं पानी का मसला हुंदा। अक्सर लोग इत्थे दा लोकल पानी नहीं पीते, फिर उन्होंने बाहरों मिनरल वाटर की बोतल लैनिया पैदा ने या होर इस तरह के सोर्सेज ऑफ फिर करते हैं कि वह पानी उन्होंने साफ मिले। सो पंजाबी सिख संगत का एक होर उपराला कि असी पूरे गुरद्वारा साहब के कम अज कम 10 कूलर इस तरह लावे जिन्हें RO फिल्टर मौजूद होएगा और पानी इस तरह होएगा कि बिल्कुल सेहत वास्ते लैबोरेटरी तो चैक होएगा, फिर असी संगतों नूं देवांगे ताकि बाहरों जिहड़ी संगत आती है उन्होंने पानी का कोई इशू ना हो। और उन तो बाद कि जिहड़े बाहरों लोग आते हैं इत्थे गौरमेंट पाकिस्तान की तरफों बहुत सारिया फ्री डिस्पेंसरियां लगदियां ने, पर कुछ लोग इस तरह होंगे ने कि जिस तरह उन्होंने डॉक्टर कहते हैं कि तुम यह दवाई नहीं खानी, तुम यह नहीं खानी, तुहाडे वास्ते यह फार्मूला नहीं ठीक। सो वो लोग फिर मंगते हैं कि सानू आयुर्वेदिक दवाई दो। सो पंजाबी सिख संगत पहली बारी 550 साल उत्ते आयुर्वेदिक कैंप लाएगी और जिहड़ी दुनिया बाहरों आएगी जिहड़ा कि जिन्हां दी ख्वाहिश होएगी कि असीं देसी दवाई लैनी, तो उन्होंने पंजाबी सिख संगत की तरफों इत्थे बकायदा कोई 5-7 हकीमों का पैनल होएगा जिहड़ी उन्होंने करशी, आफताब करशी और अशरफ और मुख्तलिफ लैबोरेटरियां की दवाई फ्री मिलेगी। और मेरी एक होर बेनती है कि जिस तरह साडे उपराले यानी कि एंबूलेंस तो लैके गीजर तो लैके पग दी अकैडमी तो लैके असी इस दफा लिबास जरा बना रहे हैं खालसा एक लिबास, यानी काफ़ी सारी चीज़ा असं कर रहे हैं। इन तो बगैर अगर पूरी दुनिया के गुरु नानक नाम लेवा सात संगतों को मेरी बेनती है अगर कोई चीज़ इस तरह है जी होने वाली है जी इतने नहीं हो रही या तुहाडे ज़ेहन च एक पॉइंट है तो साडे नाल जरूर शेयर करो। हजे पूरा एक महीना है ताकि असं महीने के भी ख्वाहिशा पूरी कर सकी और अरदास करो कि PSS दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।